नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास गोदान का 34वां भाग। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन निरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी ना मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसीलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसा चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहां तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगियोजे की नौबत आ गई। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगियोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहां भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें छूने न दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखे राम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखे राम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखे राम नाटे मोटे खलवाट लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जारों में लिहाफ ओढ़ कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसीलिए उनके कपड़े हमेशा मैले और चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौरी कम न था। इसीलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब असामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपए हो गए हैं तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहां तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखे राम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं है, सरकार के नौकर है जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखे राम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5ों ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे।
जब से उनका जेठा लड़का सजावला हो गया, नौखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह दसवां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलन विसी लगा दें। इसीलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए, अब नौखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिला हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो, तुम्हारी घरवाली है उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल जाएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, फटकना, क्या थोड़ा काम है? भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सुलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें बाहर निकाल दिया, यह अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नौखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे, उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? जहां न्याय और धर्म को कौन पूछता है, भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है या उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं, उनसे बचकर कोई कहां जाएगा? तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहां तुम उससे बुरे ना रहोगे। यहां से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुपरा रोया। होरी ने अपनी आपबीती सुनाई, लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, मां से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर, उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सर पर है लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, खेत रेहन पर रखकर 200 रुपए लिए हैं, इज्जत आबरू का निभा तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुड्ढा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दुहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दुहना, एक पखवारे में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूं, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा लेकिन उससे काम न चला, नौकर खल्ली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए, हार कर भोला के पास आया और चिरोरे करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहां मजूरों की तरह रहना अकर रहा था। पहले महीने दो महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नौखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे, तब बेचारा भोला जहर का घूट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंट कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूं? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी, इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहां से भागने का एक कारण यह भी था, यहां उसकी कोई बात न पूछता था पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया लेकिन करता क्या, नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहां
अपने आश्रम में रखने की हिम्मत नोखे राम में न थी। वह टट्टी की आर में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिग मत कर, अब तो वहां बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यह मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह तो सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी होंगी, मुझे नहीं लगती, मैं अपनी मजदूरी में मगन हूं। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री को खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियां होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हशोर था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखे राम से जर दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़ी सी आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारिन समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए और मुझे हंसते, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा, इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं, उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ, आज बड़े आम वाले हुए हो, मुझसे छेर की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूं। ओहो, इस अहिरन का इतना मिजाज, नोखे राम को क्या फंसा लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने ना देगी। जरा जवान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भुला जा। नोहरी बोली, तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? पटेश्वरी ने कहा, नोखे राम ने छा नदी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा, जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झोंसा और न जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखे राम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहां आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो गया, मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया, लाला पटेसरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं, मैं हरजाई थोड़ी ही हूं कि कोई मुझे पैसा दिखाए, गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया, अपना मोटा डंडा उठाया
और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आ जा बड़ा मर्द है तो, मूछे उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों का समझता है, तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जरवत खड़े थे। जरा भी जबान खोली शामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पिटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उसकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की क्या बिसात। अब नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधब उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते, नोरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तंबाकू पीने को धोला मयसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उस पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगी खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी करा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूं। नोहरी बोली, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती। भोला बोला, लाज तो घोल कर पी गया। नोहरी, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भोला बोला, तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं। नोहरी बोली, पंचायत करके मुंह में कालिख लगवा दूंगी, समझ लेना। भोला बोला, क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? नोहरी बोली, तुम तो मुझे ऐसे ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गढ़वाते हो, तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने की लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे, आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है, पंचायत का क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। धन्यवाद।